पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए मेडिकल अलाउंस खत्म करने की सिफारिशात महकमा खजाना पंजाब ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के बाइस सूबाई खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसमें कमी लाने के लिए बेशतर रिफॉर्म्स की सिफारिशात की गई है। सराय ने बताया है कि पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अब मेडिकल अलाउंस खत्म करने की सिफारिशात की गई है। अगर हुकूमत इन सिफारिशात की मंजूरी देती है तो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह में मेडिकल अलाउंस ना देने से 19 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक मेडिकल अलाउंस की बजाय सेहत कार्ड पर इंश्योरेंस मुंतकिल करने की तजवीज थी। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के कायदीन का कहना है कि हकूमत के इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे।